क्या हुआ पापा जी, आपने यहाँ पे बुलाया? इस परिवार को बचा ले और तू मेरे बेटे पर प्रतीक के साथ शादी कर ले। क्या बात कर रहे हो बेटे? मैं चाहता हूँ तू लक्ष्मी से शादी कर ले बेटे। पापा ये क्या कह रहे हो आप? आपको पता है मुझे भाई कहती है। हमारा परिवार पहले जैसा हो जाए, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या कर रहे हो पापा, आप रो मत प्लीज। वेलकम बैक टू आवर चैनल, मैं हूं मासूम राजा। दोस्तों हमारे साथ बैठे हुए अविनाश जी। इनकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, कहीं ना कहीं इंसान जब मजबूर हो जाता है तो वो काम करने पे मजबूर हो जाता है जो समाज के खिलाफ हो, और समाज का काम है कहीं, क्योंकि समाज कभी खाना नहीं खिलाता, खाना मुझे खुद से मेहनत करके रोटी कमाना पड़ेगा। ये चीज जो फैसला अंकल ने लिया है, इस चीज को मैं सुन के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अंकल ये चीज फैसला लेने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत होना चाहिए जो आपके अंदर है, इस चीज को मैं मानता हूँ। देखो अंकल, पूरी दुनिया की बात, समाज रिश्तेदारी की बात सोच के आप उनसे ऊपर वाला काम कर, और मुझे लगता है ये चीज आपको ना पूरी जिंदगी, जब तक जिंदा रहोगे ये चीज खुशी देगी। पूरी बात बताओ, कैसे आपकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, पूरी बात हमारी ऑडियंस को बताओ। कैमरा चालू है, माइक भी आपको लगा रखा है, बोलो आप। बेटे मेरे एक हंसता खेलता परिवार था, दो लड़के, दोनों लड़कों की शादी हो गई। अभी कुछ दिन पहले छोटे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी डेथ हो गई। अभी मेरी छोटी बहू की उम्र कुछ भी नहीं है, 25-26 साल के करीब है। वो कहाँ है? वो अब यहीं पे ही है, यहीं पे ही है। और मेरा बड़ा बेटा प्रतीक, उसकी शादी हुई थी, उसकी घरवाली किसी वजह से वो उससे अलग हो गई, डिवोर्स ले लिया। हाँ। उसके एक छोटा सा बच्चा है राहुल, आपका पोता भी पोता है। वो छोटे वाले लड़के, घरवाली उसकी पंक्ति देखभाली कर रही है। अब मेरा परिवार सा एकदम बिखर गया है, क्योंकि उधर तो छोटी बहू वो विधवा हो गई, और बड़ा बेटा अकेला हो गया, वो भी आजकल बड़ा उदास रहता है। अब मैं कुछ लोगों की वजह से समाज में मुझको बुरा ना लगे, उनको बुरा ना लगे, पर लोग बात कहते हैं कि तू अपने परिवार को बचा ले, पर मैं बेटे इसमें मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, क्योंकि प्रतीक की प्रतीक नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। छोटे बच्चे की वजह से कैसी बहू आएगी, उसका पालन पोषण करेगी नहीं करेगी, मौसी तो मौसी होती है। पालन पोषण कौन कर रहा है? अब छोटे लड़के घरवाली कर रही है उसका पालन पोषण, विधवा वो कर रही है। अब विधवा बहू को मैं समझाना चाहता हूँ कि बेटा तू मेरे परिवार को बचा ले, तू बड़े बेटे से शादी कर ले, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप थोड़ी मेरी हेल्प कर सके। समझ गया, मुझे पता भी है ये सब चीजें, लेकिन जो मत देखो ये बात, अपने अपने जो बहू है छोटी वाली उनसे बात करा है, क्योंकि देखो एक बड़े लड़के और एक छोटी छोटे लड़के की बीवी का रिश्ता क्या होता है आपको पता है, लोग एक दूसरे को भाई बहन भी बोलते हैं, लेकिन इस चीजों से आप ऊपर उठ के आप काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, क्योंकि एक छोटे बच्चे की जिंदगी की सवाल, मैं चाहता हूं राहुल को मम्मी मिल जाए और मेरे बड़े बेटे प्रतीक को उसका परिवार मिल जाए, मैं दोनों को एक साथ मिलाना चाहता हूं। आपने दोनों में से किसी भी इंसान से आप इस तरह की चीजें डिस्कस किया है? डिस्कस नहीं, कैसे बुलाया मैंने आपको, क्योंकि आप तो इसमें थोड़ी मेरी हेल्प कर दो ताकि मेरे परिवार बचा रहे, एक साथ रहे। उसके पिताजी ने बोला मेरे से, छोटे घर वाली ने उसके बोला था कि, आपके समधी ने, समधी ने बोला था कि अभी मेरी लड़की की उम्र कुछ नहीं है, अभी समझा कर मेरे पास भेज दो, मैं दूसरी शादी कर दूंगा उसकी। नहीं चाहते कि मैं आपकी बहू जाए? नहीं, ये तो मैं नहीं चाहता और बहू भी नहीं चाहती, वो कह रही है नहीं पापा मैं यही रहूंगी जैसे भी हूँ मैं। किस्मत वालों को अंकल ऐसी बहू मिलती है। दोस्तों आप पूरी बात समझ गए होंगे क्या मसला है, एक बार उनको कॉल करो आप। यहाँ पे ये है कि जो छोटी बहू है वो विधवा है और बड़ा लड़का भी अकेला है, और ये चाहते दोनों शादी कर ले। हम जानते हैं ये चीज़ें थोड़ी सुनने में गलत हो रही है, और कैमरे इसलिए लगाए क्योंकि दुनिया को पता चले कि ये फैसला एक बच्चे के भविष्य के लिए लिया जा रहा है। लाउड स्पीकर ऑन कर लो अंकल, हमें भी सुनना है। हेलो हेलो बेटे प्रतीक, जरा 10-20 मिनट के लिए पार्क में आ। क्या हुआ पापा, सबको ठीक है? बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है तेरे से। तुम घर पे आ गए ना पापा? नहीं बेटे, ये पार्क में आ जा, और दुकान पे कोई ना हो तो दुकान को बंद कर जाना, ठीक है? दुकान पे कितने
मैं कोई बात नहीं, नहीं बंद कर देना थोड़ी देर के, ठीक है जल्दी। हाँ दोस्तों सारी बात समझ गए होंगे, जो भी चीजें होगी अब उनके आने के बाद ही होगा दोस्तों, आप लोग बस वीडियो में बने रहो। क्या हुआ पापा जी अपने यहाँ, क्या बात? हाँ बेटा बैठ, मैंने जरूरी काम के लिए बुलाया कुछ तेरे। क्या बात है जरूरी बताइए, आप घर पे बात कर लेते जरूरी, बेटे, जो बात है पार्क में हो जाती है ना बेटे, वो घर में ठीक नहीं तो समझा मैंने, और मैं इसलिए बुलाया तेरे को आज कि राहुल बच्चा है, मम्मी कहता आपसे, और आप राहुल को जो कल घबराओ मत, जो भी चीजें देखो आपको अपने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये कौन बताना है? ये मेरे बेटे जैसा ही है, समझो कि आपकी हेल्प के लिए मैं आया हूँ, डोंट वरी, और इनके रिश्तेदार में ही हैं मैं, ठीक है? नमस्ते। टेंशन मत लो आप, देखो अंकल आप पूरी बात बताओ, जैसे आपने मुझे बताया हम चाहते हैं कि आप पूरी क्लियर दो, बात को अगर दबाओगे तो बात बढ़ेगी, इससे अच्छा बताओ। बेटे ऐसा है, तूने भी बहुत कुछ खो दिया और मैंने भी बहुत कुछ खोया है, हमारा हंसता खेलता परिवार था, छोटा बेटा चला गया, मुझे बहुत दुख है, और बड़े बेटे की घरवाली छोड़कर चली गई, वो भी मतलब क्या बात हो गया, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, क्या बात कर रहे हो बेटे? मेरे को ना तो मेरे को नींद आती है ना भूख लगती है, बस मैं देखो मैं बताता हूँ, सुनो आपको पता है कि आप अकेले हो अपने घर में, ठीक है, और आपका जो मतलब घर में उनका पोता जो है राहुल, हाँ वो भी बेचारा मतलब उनकी माँ नहीं है, आप ध्यान रख रहे हो, बेशक मैं जानता हूँ सारी चीज़ें इन्होंने बताया मुझे, और प्रतीक भाई जो हैं वो भी मतलब दुकान पे ही रहते हैं वो हमेशा, उनकी भी वाइफ नहीं है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि घर में सब अकेले हैं, सबको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ अच्छा चल रहा है, बस देखने के लिए अच्छा चल रहा है हर चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना उल्टा सीधा हो रहा है, तो ये अंकल कुछ ऐसा चीज़ चाहते हैं कि सबकी लाइफ एक जगह हो, सबकी मंजिल एक जगह हो। अंकल घबराओ मत, हम यहाँ पर हैं, आपकी बहू है, बेटी जैसी है, कुछ नहीं बोलेगी ये, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं भैया क्या बात है पापा, बताओ बोलो, बताओगे तभी तो कोई बात पता चलेगी। बेटे मैं ये चाहता हूँ कि राहुल को आप प्यार करते हैं बहुत, मुझे अच्छी बात है, अच्छा लगता है, पर उसको वो हक नहीं मिल रहा जो उसे हक मिलना चाहिए। मतलब क्या कमी हो रही है, आप कमी बताओ कि प्यार में क्या कमी हो रही है? कमी नहीं कुछ नहीं है बेटे, मैं चाहता हूँ हमारा परिवार पहले जैसा हो जाए, एक जगह रहे, बिखरे नहीं, साथ में ही तो रहते पापा, कहाँ नहीं बेटे, नहीं प्रतीक जैसे पहला था वो ऐसा नहीं रहा, दुकान पे भी उसका मन नहीं लगता इस तरह से, वो आता है उदास रहता है, कमरे में चुप बैठ जाता है, और तेरी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, कितनी उम्र है तेरी 25-26 साल, इस उम्र को लेकर कहाँ तक चलेगी तू पापा? मैंने अकेले जीवन कैसे काटेंगे? मैंने शादी करी थी लेकिन सबकी मर्जी से शादी करी थी, तो मैं तो बस अब इतना ही चाहती हूँ ना कि चलो मैंने शादी करी अच्छे से, आपने सब चीज़ करी, तो बस मैं तो आपको पहले भी ये चीज़ बोली कि क्या ना मैं जो हो गया सो हो गया, मैं तो अच्छे से शादी करके आई थी, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं पूरी लाइफ मतलब अपने परिवार को देना चाहती हूँ। तो मैं भी बेटा मैं भी तेरे को अलग नहीं ले जा रहा, परिवार में जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम आपस में रहो, एक साथ रहो, मिल के रहो, क्योंकि अभी राहुल छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, वो भी कहेगा कि मैं कैसे लूँगा, अगर आप थोड़ा उसे माँ का प्यार दे दिए अच्छी बात है, पर मैंने भाई को इसलिए बुलाया, इनको भी बेटे जब बेटे जैसा ही है मेरा, थोड़ी हेल्प कर देगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं ऐसा अपना फैसला नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा इसमें परिवार के बारे में सोच ले, और सोच रहे हैं सब चीज़ कर रही हूँ मैं, आपके लिए भी करती हूँ, राहुल के लिए करती हूँ, भैया के लिए हर चीज़ कर रही हूँ, आप साफ साफ बताओगे तभी तो समझ में आएगा, अब बात घुमा रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो बताओ, क्लियर बताओ बेटे, आपकी किसी बात के लिए हमने कभी मना करी नहीं, नहीं, या कोई कमी हो है मेरे अंदर, गलती देखो हो जाती है मानती हूँ, कोई गलती हो गई हो शायद मेरे से, नहीं बेटे तेरे से कोई गलती नहीं हुई, फिर आप क्या बात कह रहे हो, गलती हुई है वो हमारे नसीब में लिखा हुआ था कि हम आगे चल के ऐसे बिखरेंगे, और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा परिवार एक जैसा हो जाए, पहले जैसा हो जाए, और मैं खुल के नहीं बता रहा, पर मन में तरक तो डरो मत बेसिक्स, आपकी बेटी जैसी है, आप जो फैसला लोगे जो चीज़ बताओगे वो सुनेगी, क्या फैसला है पापा बताओ, जो भी बात बताओ पहले बात तो बताओ बेटे, मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ, इस परिवार को बता ले, और तू मेरे बेटे पर प्रतीक के साथ शादी कर ले, क्या बात कर रहे हो,
आपको पता है उनका और मेरा रिश्ता क्या है? भैया हैं वो मेरे। नहीं बेटे ऐसा है, कैसे उनसे उसमें हमारा परिवार एक साथ रह जाएगा, बच्चे को माँ मिल जाएगी। नहीं मैं उसके लिए कमी थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं कैसे उनसे शादी करती हूँ, उनको भैया मैं बोल रही हूँ, उनसे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ बताओ। बेटे तू कहीं और जाएगी या तो वो किसी और से करे, बोला ही नहीं मैं कहीं शादी नहीं करना चाह रही। मैं तो आपको देखो आपके घर के बारे बैठो बैठो आपके घर के बीच में, मैं समझ लो कि मैं कोई तो नहीं होता बोलने वाला, लिए आपकी लाइफ है आपकी मर्जी है, बस समझ लो कि एक आम इंसान का एक राय है कि आपकी जो लाइफ अभी है ख़त्म नहीं हुई है। नहीं भैया सब चीज़ मान हम समझ रहे हैं कि अमन से आपकी शादी हुई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी तुम्हें इस हालत में इस कपड़ों में देख के खुश नहीं होगा। वो ठीक है, लेकिन अगर जिनको हम भैया कह रहे हैं उनके साथ शादी करना, आप समझ सकते हो उस चीज़ के लिए? देखो ठीक है, आप आपकी है। ये आपके ऊपर छोड़ रहा है। पापा आपने भैया से ये चीज़ पूछी आपने कभी? आपने मुझे नहीं बेटे नहीं, मैंने उसको बुलाया है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों से प्यार से आपने बस ये अपना एक बात रख रहे बात रख रहा आप दोनों अगर शादी कर लेते हो तो कल हो के उस बच्चे को माँ बाप का रियल वाला साया मिलेगा, जो मतलब अभी नहीं मिल रहा। बंदा हमेशा दुकान पे रहता है, ना पापा से मिलता है, ना आपसे, आपसे तो भले बात ना करे, ना बच्चे को प्यार कर पाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। राहुल को भी माँ बाप की जरूरत है, आपको भी, आप बोल रहे हो वो अलग बात है, अच्छी बात है आपके बड़प्पन है, लेकिन आपको भी एक हस्बैंड एक सहारे की जरूरत है। यहाँ नहीं तो कहीं और भी शादी कर सकते हो, ये भी इन्होंने कहा है। नहीं पापा ऐसा कुछ बेटा, तो आपको हमेशा बस एक ही चीज बोलती हूँ, मैं कभी अपने परिवार को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मेरी उम्र इतनी होगी, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, फिर बाद में कौन ख्याल रखेगा। बस इनका एक फैसला है, मतलब एक राय है कि ये मरते मरते आप लोगों को खुश देखना चाहते हैं, बस ये याद रखना है बेटा। बाकी फैसला मैं तेरे पर छोड़ता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी उम्र कितनी रहेगी, अब मैं रहूँ ना रहूँ, आपने बुलाया अपने घर पे बात कर सकते हो भाई। हाँ बेटे कौन तेरे को समझाने लो, बस आपके पापा को जानते हैं हम बेटे। मैं तेरे को इसलिए बुलाया, मेरे बहू को बुलाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बात घर पे ना हो, कोई समाज वाला हम पे उंगली ना उठाए, और जो बातें पार्क में हो जाएंगी वो पार्क में हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ की बात यहीं रह सकती है। पर ऐसी कौन सी बात है पापा जो पार्क में करनी है, हमें घर पे भी तो कर सकते हैं। नहीं बेटे मैं तो राहुल के लाइफ के बारे में सोच रहा, तेरी की सोच रहा हूँ, बहू की सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ बेटे? मैं चाहता हूँ कि मैं जीते जी अपने परिवार को एक जगह कर जाऊँ। पापा हुआ क्या है ये तो बताओ आप, कोई ऐसी बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं है, पर मैं ये चाहता हूँ मेरी उम्र कितने दिन की रह गई है, मैं चाह रहा हूँ तेरी लाइफ भी सही हो जाए, राहुल की हो जाए, बहू की हो जाए, तो मैं इसलिए पार्क में आया हूँ, क्योंकि घर की बात घर में होती है, पार्क की बात पार्क में रह जाती है। आप सबका खुश है घर में, सब एक साथ रहते हैं, क्या चाहिए आपको? बेटे वो खुशी नहीं रही जो पहले खुशी थी ना, जब से छोटा बेटा चला गया। आपको पता है सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता जिंदगी में, नहीं कुछ बदलता है। नहीं बेटे ऐसा है, तेरी बहू की गलती, उसे तू क्यों भुगतेगा? चलो चलेगी चलेगी, तो शादी के लिए नहीं कर रहा कि मैं बाहर से, मैं तेरे से बोला था कि तू अपनी देख ले कोई शादी कर ले कहीं से, अपना घर बसा ले। तुम करते नहीं हो, आप इस चीज के लिए एग्री हो बेटे? बहुत मिलाई। देखो आप दुकान पे रहते हो, देखो मेरी बात सुनो, आप दुकान पे रहते हो, आपका बेटा है, ठीक है, छोटा बेटे का ख्याल रखती है, मानते हैं इन चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं कब तक ये ख्याल कब तक रखेंगी? मैं तो खुश हूँ बहू से, तेरे से भी खुश हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हम एक पहले की तरह एक साथ हो जाए, एक साथ रहे। क्या चाहते हो आप, मतलब कि ऐसा कुछ? बेटा मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं तुम दोनों को ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई फैसला नहीं है, मैं तो तुम्हारे सामने राय रख रहा हूँ भाई, बेटे ऐसे कर लो, इस बहू की भी जिंदगी संभल जाएगी, इसकी क्या उम्र है अभी 25-26 साल, तेरी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, एक बच्चा ही तो है, और क्या मुँह देखा हमने अभी, एक लड़के का मुँह देखा बच्चा, अब वो भी बिना माँ के कहाँ जाएगा? देखो भाई कहीं ना कहीं है ना, आप भी अकेले हो, ये भी अकेले है, आपका बेटा भी अकेले है, उसे भी माँ की जरूरत है। देखो अंकल आप घबराओ मत, जो बात है दिल में वो बताओ, जैसे आपने बता रखा है लक्ष्मी को। क्या बात है, समझ नहीं आ रहा मुझे बेटे, मैंने करने के लिए आपने लक्ष्मी को तो मैंने समझा दिया है, वो तो मेरे बात को टाल नहीं रही बिल्कुल भी, वो तो कह रही है मैं हाँ पापा जैसे आप कहोगे, मैं तो हर चीज़ के लिए एग्री हूँ, अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ, एक साथ रखना चाहती हूँ, और मैं तेरे से कोई फैसला नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये तेरे सामने एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटे कि हम अपने घर को बसा ले, और तू लक्ष्मी सिंह के साथ तू अपना घर बसा ले। क्या कह रहे हो पापा आप?
बेटे इसमें बुराई क्या, हमारी घर की बात घर में रहेगी, कहीं और चलेगी, कहीं और उसके पापा मेरे को फोर्स कर रहे हैं, साथ बोल रहा है भैया बोलती है। देखो भाई हम समझ रहे, बैठो बैठो। क्या बोल रहे पापा आप? आपका परवरिश आपके बाप ने किया, ठीक है, आपको बड़ा किया, शादी कराया, पढ़ाया लिखाया, कहीं ना सोच समझ के, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको, तजुर्बा है जिंदगी का। पर कोई हमें भाई बुलाता है उसके साथ शादी हम कैसे कर सकते हैं? आप पूछ लो लक्ष्मी से एक बार पूछ लो, उसे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपके बेटे को एक साया मिलेगा, भी एक लायक साया जो एक फैक्ट हो। वो कब तक, वो तो कहीं ना कहीं उसकी छोटी माँ है, अपनी माँ नहीं है, छोटी माँ है वो। बेटे इसका पापा मेरे बार कई बार फोन कर चुका है, कह रहा है कि तुम मेरी बेटी को भेज दे, मैं इसका कहीं ना कहीं दूसरी जगह इसको बैठा दूंगा। अब मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मेरे घर की लक्ष्मी कहीं और जाए, और तू भी खुश रहे, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ बहू गई है, तो उस दुकान पर खामोश रहता है, घर भी आके चुप बैठ जाता है। बेटे मैं चाहता हूँ हमारा परिवार पहले जैसा हो जाए, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या कर रहे हो पापा, आप रो मत प्लीज, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? मैं चाहता हूँ बेटे तुम दोनों एक साथ रहो। अगर लक्ष्मी तैयार है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सारी ज़िंदगी कुंवारा बैठा रहूँ, किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता मैं, कम से कम मैं उसे जानता हूँ, हमारे परिवार को समझती है, आपकी सेवा करती है। बेटे रो मत, लक्ष्मी को मैंने समझाया, वो बात के लिए कह रही है पापा जो तुम कहोगे। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना इस फैसले से? मुझे कोई दिक्कत नहीं पापा, अगर बाबूजी का फैसला है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बेटे पहले प्रतीक जी अगर भैया आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनकार तो मुझे कोई दिक्कत, लक्ष्मी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी। देखो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आपके बच्चे को जो अभी तक इतने दिनों से संभाली है, अब वो आगे और संभाले, कहीं ना कहीं उन्हें और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, तो इन सब चीज़ों से आपका पापा को फायदा भी है। तो बेटे मैं तो चाह रहा हूँ कि राहुल की जिंदगी संभल जाएगी। बेटे पापा रिक्वेस्ट मत करो, दोनों साथ रहोगे ना? बहुत अच्छी लड़की है वो, आपकी बहुत सेवा करती है, हमारे घर वालों का सबका ख्याल रखती है, बड़ा ब्रो मत लीजिए, आप जो बोलोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मी को अगर कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं। तो बेटे मैं चैन से मर सकूंगा, तुम अगर दोनों साथ एक साथ रहोगे ना पापा, प्लीज ऐसे मत बोलो, एक दिन तो सबको मरना ही है। मत परेशान हो, कोई नहीं, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो दुनिया की समाज की टेंशन मत लो, ठीक है, आपके पापा ने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ के, आप दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है अंकल बता देते हैं। ठीक है ठीक है। देखो हम एक सोशल वर्कर हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और ये दुनिया समाज की बात छोड़ देना, वहाँ सामने देख लो कैमरे लगे, ठीक है, और ये दुनिया समाज को दिखाना चाहते हैं कि ये फैसला उठाना फैमिली के लिए है, ना कोई अपना सेल्फिश, ना ये अपने सेल्फ के लिए, ना आप अपने सेल्फ के लिए, तो ये दुनिया समाज की फिक्र छोड़ दो, ठीक है लक्ष्मी, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी ये कैमरा ये वीडियो सारे कुछ संभाल लेगा, ओके ना, डरना मत, एकदम बेफिक्र होके पापा का साथ दो, ओके।